हरे कृष्णा अध्याय 6 श्लोक नंबर 32। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वयदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। इसका अर्थ, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इसका तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों पर का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के भौतिक तापों, दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृततम मह। भगवद गीता 18.69। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उन्नत पूर्ण नहीं होता, जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य भक्तों। अब इस श्लोक में भगवान हमें समभाव, जो पहले भी बता चुके हैं, वैसे ही समानता दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। चाहे वो सुखी हो या दुखी हो, समस्त प्राणियों की यही इच्छा होती है कि वो सुखी रहे। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि वही सबसे पूर्ण योगी है। क्यों? क्योंकि वो समस्त प्राणियों के, प्रत्येक प्राणियों के सुख दुख का इससे अवगत है। तो वो चाहता है कि वो ऑलरेडी सुखी है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। उसको पता है कि उसके और भगवान के बीच में क्या संबंध है, और ये नश्वर भौतिक जगत कितना भी दुखमयी हो तो भी उसका संबंध तो भगवान कृष्ण से है, इसलिए उसको कोई दुख की बात है ही नहीं, चाहे वो इस लोक में हो या परलोक में चला जाए। तो इसीलिए जो सुख और शांति और खुशी वो अनुभव करता है, वो चाहता है प्रत्येक जीव जो उसके मित्र जीव है या जो भी है, उसके जो जिससे अवगत होता है, जिससे मिलता है, वो चाहता है कि प्रत्येक प्राणी इस सुख को अनुभव करे जो सर्वोत्तम है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो वाकई में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो पूर्ण योगी है। क्यों? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ उपकारी है, वो भगवान कृष्ण का प्रियतम सेवक है, जैसे श्रीला प्रभुपाद। His Divine Grace AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही माने हुए, बहुत ही साधु पुरुष थे। एक बार की बात थी कि कुछ फॉरेन डिवोटीज आए
उनको ढूंढ उनके बारे में जानने के लिए इस्कॉन टेम्पल में। तब श्रीला प्रभुपाद डिसअपियर हो गए थे इस भौतिक जगत से। तब उन्होंने वन ऑफ द इस्कॉन टेम्पल में जाके उधर के भक्तों को, कंसर्न पर्सन को मिलने के लिए ये किया था, इच्छा किया था। तो जब वो जो साधु पुरुष वैष्णव थे उनसे आए, तो उन्होंने उनको पूछा कि ये श्रीला प्रभुपाद आपके कौन हैं। तो उन्होंने, वो सब हैरान हो गए भक्तगण कि ये इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं, पाश्चात्य देश से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हैरान मत होइएगा, मगर हम पाश्चात्य देश में रहकर भी हमने बहुत स्टडी की, हमने बहुत रिसर्च किया, हमने देखा कि कितने काल में, जैसे साउथ इंडिया में रामानुजाचार्य आए थे, श्रीला रामानुजाचार्य आए थे, जो साउथ इंडिया को पूर्ण कृष्ण भावना भावित कर दिया था उन्होंने श्रीमन नारायण के भक्ति में। तो रामानुजाचार्य जो हैं वो कहते हैं वो स्वयं बलराम जी हैं, उनका अवतार है। तो आदि शंकराचार्य जो हैं वो रुद्र के अवतार है, शिव के अवतार है। तो इन लोगों ने साउथ इंडिया में ही, सिर्फ एक पार्ट ऑफ इंडिया में ही इन्होंने भक्ति का इतना प्रचार किया, जबकि ये भगवान के ही ये थे, एक स्वरूप थे, स्वांश थे, और दूसरे जो थे वो भगवान के गुण अवतार थे। तो इनका ही जो ये था अवतार, वो भक्त बनकर भगवान का प्रचार करके इतनी उन्होंने भक्त बनाए और सुख की प्राप्ति करवाई लोगों के लिए। मगर श्रीला प्रभुपाद जो हैं, इन्होंने तो पूरे ग्लोबली, इंटरनेशनली, सब इस देश में हो या पाश्चात्य देश में हो, सब जगह पर कृष्ण कॉन्शियसनेस को फैलाया, और ये सुख की जो अनुभूति है ये सबको प्रदान किया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तो आप कृपा करके बताइए कि ये जो व्यक्ति है, सिद्ध पुरुष हैं, ये कौन थे। तो जो व्यक्ति, जो वैष्णव थे जो सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो देव पुरुष थे, वो प्रियतम सेवक थे श्री कृष्ण भगवान के। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे, ये उनका वचन था। इस कहने से ही वो व्यक्ति समझ गए कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे। ऐसे दशकों में दशक, मतलब बहुत कम ऐसे सिद्ध पुरुष जो आते हैं भगवान के कहने पे हम जैसे बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए। ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है आत्मा का, अगर कोई प्राणी, अगर कोई जीव इसको समझ पाता है, उसकी बुद्धि, भौतिक बुद्धि, जबकि ये आध्यात्मिक विषय है, ये हमारी भौतिक बुद्धि पकड़ नहीं सकती। इसीलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने कहते हैं और भगवद गीता का अध्ययन करने कहते हैं, क्योंकि तभी हमारी ये बुद्धि खुलेगी। तो जो जीव इस प्राकृत जगत में रहकर भी अप्राकृत वस्तु को जब पकड़ लेता है, तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा कार्य कर रहा है, क्योंकि वो समस्त दुखों का नाश करते हुए उस परम सुख की प्राप्ति कर रहा है। और जब वो इस परम सुख की प्राप्ति करता है, तो वो हर तरह का अनिष्ट काम जो होता है, जो उसको पतन करने के लिए प्रेरित करता है, वो सब कुछ छोड़ देता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने 4 पिलर्स बनाए इस्कॉन में, जो कि शास्त्र में ही वर्णित है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग और नो इंटॉक्सिकेशन। वो है अवैध श्री संग, और जुगाड़ नहीं करना, और तीसरा है मांसाहारी नहीं करना, और चौथा है नशा सेवन नहीं करना। ये है, ये नर्क के प्रमुख द्वार है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसको ही बंद करने के लिए कहा, क्योंकि जब ये बंद होगा हमारे हाथों, तभी हम भगवत धाम की ओर प्रस्थान करना शुरू करेंगे। शुरुआती में हर किसी को गुस्सा आता है, जो कोई भी ये करता है तो उसको लगता है ये क्यों कह रहे हैं, ये तो हमारा खाना है, ये तो हमारा व्यवहार है, ये तो हमारा ये है वो है, तरह तरह के हम तर्क वितर्क देते रहते हैं। मगर थोड़ी सी यहाँ पे हमको धैर्य रख कर ये समझना होगा कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, इतने संयमता से हमें बता रहा है, क्या इसका एक पैसे का भी फ़ायदा है इसमें? फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा हमारा हो रहा है।
तो हमें सोचना चाहिए कि जो इंसान हमें बुरे काम में प्रेरित कर रहा है वो हमारा हितेशी है, कि जो हमें अच्छे कार्य में या कहिए कि कृष्ण भावना भावित कार्य में लगा रहा है वो व्यक्ति हमारा हितेशी है। तो समझना हमें है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द रियलिटी, तत्व हमको समझना है। जैसे हम थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर में सुन चुके हैं भगवान के ही मुख से कि हमको वेदवदी नहीं बनना है, हमको तत्ववदी बनना है, हमको ये शास्त्र क्या बताते हैं उसका तत्व जानना है, उसे पकड़ना है। और वो तत्व क्या है? सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमामयी भक्ति, यही है जो हमको सुख प्रदान कर सकती है। अन्यथा जीव सुखी नहीं रह सकता, अनेकानेक शरीर पकड़ पकड़ कर अनंत काल से वो दुखी ही रह रहा है। और इसमें सरलता की ही तो बात की गई है, कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा कहा गया है, जैसे सतयुग त्रेता युग द्वापर में होता था, जहाँ पे युग धर्म बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तपस्या करना, यज्ञ करना, मंदिर बांधना। मगर कलयुग के जीवों के लिए बहुत सरल उपाय दिया है भगवान ने शास्त्र के मुताबिक, सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम के, पवित्र भगवान नाम के उच्चारण मात्र से ही जीव इस लोक में भी सुखी हो सकता है और परलोक में भी, और अंत तो गत्वा भगवान कृष्ण के लोक को प्राप्ति कर सकता है। तो वक्त बर्बाद न करते हुए तुरंत हमें माला उठाकर जप करना शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।